हेलो एवरीवन, दिस इज नीलेश कुमार गुप्ता एंड यू आर वाचिंग एनजी फिजिक्स क्लासेस। वेल, पिछले टाइम पे मैंने आप लोगों को समझाया था टाइम ऑफ फ्लाइट, क्लियर? द टाइम अप टू विच द प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन एयर इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। बताया था आप लोगों को टाइम ऑफ फ्लाइट का जो रिलेशन हम लोगों ने डेवलप किया था, दैट वॉज टी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। क्लियर है सभी को? इसके बाद फिर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था मैक्सिमम हाइट, याद है आपको? मैक्सिमम हाइट अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग होती थी। जब मैं आपसे पूछता था कि जब किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री के एंगल पे फेंका जाता था तो ऐसी सिचुएशन में मैक्सिमम हाइट ये होती थी, और इसका जो रिलेशन हम लोगों ने प्रूव किया था दैट वॉज एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी, याद है आप सभी को? दिस वॉज द रिलेशन फॉर द मैक्सिमम हाइट। ये रिलेशन हमारा आया था मैक्सिमम हाइट का। फिर मैंने आपसे पूछा था कि क्या ऑब्जेक्ट को इससे ज़्यादा हाइट पे फेंका जा सकता है, तो आपने बोला था कि हाँ फेंका जा सकता है। फिर मैंने आपसे पूछा था कितने डिग्री के एंगल पे फेंकूँ कि मैक्सिमम हाइट पे जाए, तो आपने बोला था 90 डिग्री के एंगल पे फेंकोगे तो ये मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, ऐसा बोला था आप लोगों ने, और ये बात मैंने आपको प्रूव करके भी बताई थी। फिर मैंने आपको ये भी पूछा था कि 90 डिग्री के एंगल पे अगर फेंकूंगा तो मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगा, तो फिर आपने इसी फॉर्मूले में थीटा की जगह 90 रख दिया था और आपका रिलेशन आया था एच मैक्सिमम इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन टू जी। सीन क्लियर है सभी को? ये मैक्सिमम हाइट कब है? जब ऑब्जेक्ट को थीटा डिग्री के एंगल पे फेंका जाता है तब मैक्सिमम हाइट है, और ये मैक्सिमम हाइट कब है? जब ऑब्जेक्ट को 90 डिग्री के एंगल पे फेंका जाता है तब है। ये बात मैं आप लोगों से कल तक कर चुका था, एग्री करते हैं आप लोग इस बात से? आगे बढ़ जाऊं मैं? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन है हॉरिजॉन्टल रेंज। आई थिंक देखिएगा यही है ना हॉरिजॉन्टल रेंज, तो चलिए आज हम लोग जानेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज होता क्या है। इससे पहले कि मैं हॉरिजॉन्टल रेंज जानूं, हम लोग एक वर्ड के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है रेंज। रेंज समझते हैं? जैसे मान के चलिए मेरे हाथ में ये बंदूक है, क्या है? अब इस बंदूक की रेंज सपोज करिए 5 मीटर है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो बंदा मुझसे 5 मीटर के डिस्टेंस तक खड़ा होगा, 5 मीटर या उससे कम डिस्टेंस पे खड़ा होगा तो ये बंदूक उसे शूट कर पाएगी, लेकिन अगर बंदा 5 मीटर से ज़्यादा के डिस्टेंस पे खड़ा हुआ होगा तो क्या ये बंदूक उसे शूट कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये लिमिटेशन हो गई। इस बंदूक की औकात जो है वो 5 मीटर तक की है, यानी इसकी रेंज 5 मीटर है। तो रेंज वर्ड का मतलब समझ में आता है आपको क्या है? बोलो भैया, सीन क्लियर है सभी को? रेंज यहाँ पर बैठे सभी लोग समझते हैं, अच्छी बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग, तो बात करते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल रेंज की कि हॉरिजॉन्टल रेंज होती क्या है। इससे पहले कि मैं हॉरिजॉन्टल रेंज बताऊं, आप बताओ, मैंने आपको जब परसों प्रोजेक्टाइल मोशन बताया था और मैंने ये भी बताया था कि पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन इज पैराबोलिक, बाकायदा हम लोगों ने इस चीज़ को प्रूव किया था, किया था या नहीं किया था? किया था, अच्छी बात है। तो चलिए देखते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। जब मैंने आपको ये बात प्रूव कराई थी कि प्रूव दैट पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन इज पैराबोलिक, तो वहाँ पर मैंने आपको इस टाइप का एक फिगर बनवाया था, वही फिगर जो मैं रोज बनाता हूँ, याद है ना? ये इनिशियल वेलोसिटी u हुआ करती थी, दिस इज थीटा, ये u किसी न किसी का रिजल्टेंट है, इसका और इसका, याद आ रहा है? दिस वॉज u cos थीटा, दिस वॉज u sin थीटा। एग्री करते हैं इतनी बात से आप? किसी को कोई दिक्कत? इसको आप लोग x एक्सिस बोल दिया करते थे, इसको आप y एक्सिस। इतना नज़ारा हम लोग रोज पढ़ रहे हैं पिछले 2-3 दिन से, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर होगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज में 2 मिनट बाद आऊँगा। मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली आप लोगों ने? पढ़ ली, वेरी गुड। ख़त्म हो गई? अरे तो ट्रिग्नोमेट्री रेडी डली होगी आपको, है? साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, जानते हो? अच्छा, तो थोड़ा सा और एडवांस में जाते हैं, साइन टू टीटा बराबर टू साइन टीटा कॉस टीटा, जानते हो? साइन टू टीटा बराबर टू साइन टीटा कॉस टीटा, एग्री करते हैं सब लोग इस बात से? इस फॉर्मूले को मैं यूज करूंगा थोड़ी देर बाद, ठीक है? चलो अच्छी बात है। अब बात करता हूँ हॉरिजॉन्टल रेंज की, ठीक है? हॉरिजॉन्टल रेंज की अगर मैं बात करूँ आपसे, सोच समझ के जवाब देना थोड़ा सा, तो ये ऑब्जेक्ट को जब आपने यहाँ से यहाँ फेंका है ना, तो ऑब्जेक्ट यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पर आकर गिरा,
तो इसने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसी डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। क्लियर है, समझ में आ रही है बात? हॉरिजॉन्टल रेंज कुछ और नहीं है, सिंपली द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस विच इज कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। आप में से कोई मुझे बता सकता है, अगर पढ़ के आया होगा तो उसे पता होगा, ऑब्जेक्ट को यहां से यहां तक आने में जितना टाइम लगता है उसे क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। बताया था टाइम ऑफ फ्लाइट। तो कुल मिला के बात यह है, ऑब्जेक्ट को यह हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो टाइम लगा होगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर लगा होगा। सही बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं ना? तो हॉरिजॉन्टल रेंज है क्या? इट इज द डिस्टेंस, थोड़ा और प्रिसाइसली बोलूं, और ढंग से बोलूं, तो इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस विच इज कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, विच इज कवर्ड बाय द इन टाइम ऑफ फ्लाइट। क्लियर? द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इन द टाइम ऑफ फ्लाइट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज। समझ में आई बात? क्लियर? किसी ने पूछ लिया हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है, तो इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस विच इज कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इन द टाइम ऑफ फ्लाइट। सीन क्लियर है? समझ में आया? हॉरिजॉन्टल को हम, हॉरिजॉन्टल रेंज को हम लोग लेटर आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ गए सब लोग? तो मुझे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला निकालना है, हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए मुझे फॉर्मूला निकालना है। आपको याद है परसों मैंने ये बात बताई थी कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल मोशन भी होता है और वर्टिकल मोशन भी होता है। हॉरिजॉन्टल मोशन कैसा मोशन होता है? यूनिफॉर्म मोशन होता है। और वर्टिकल मोशन कैसा होता है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब आज तो मैं हॉरिजॉन्टल रेंज की बात कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, तो ये कैसा मोशन होगा बाय द वे? यूनिफॉर्म मोशन। तो यहाँ तो सिंपल फॉर्मूला लगेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, समझते हो सब लोग? मैं थोड़ा रफ वर्क कर रहा हूँ इधर साइड से, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये जो मैंने लिखा है आप लोगों को समझ में आता है? अच्छी बात है। अगर ये बात आपको समझ में आती है तो फिर मैं अगली बात पे आता हूँ, गौर से देखेंगे हम लोग। मुझे निकालना क्या है बाय द वे? हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है? डिस्टेंस ही तो है। पहले मैं, लिसन एवरीवन, सब लोग ध्यान से सुनिएगा ऑन द बोर्ड, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। मैंने कुछ अलग नहीं लिखा है, मैंने सिंपल ये फॉर्मूला लिख दिया। पल्ले पड़ गया आपको? ये लाइन, वैसे मैं इस लाइन को नहीं भी लिखता तो चलता, पर मैंने इसलिए लिखा जिससे आप ज़्यादा बेहतर समझ पाए। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? बाय द वे मैं कौन सी डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ बेटा? हॉरिजॉन्टल। तो इस डिस्टेंस को मैं हॉरिजॉन्टल रेंज भी तो बोल सकता हूँ ना? तो मैंने लिखा डिस्टेंस की जगह यहाँ पर हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या स्टेप समझ में आया? इज इक्वल टू स्पीड कौन सी लूंगा? U, क्योंकि इस डिस्टेंस के लिए ये वाली स्पीड जिम्मेदार है। तो स्पीड क्या लूंगा? U cos थीटा। कैसी स्पीड है? हॉरिजॉन्टल स्पीड है या वर्टिकल स्पीड है? तो इस स्पीड को मैं ऐसे लिखूं, हॉरिजॉन्टल स्पीड। हॉरिजॉन्टल मैंने शॉर्ट में लिख दिया, बुरा तो नहीं लग रहा आपको? तो स्पीड की जगह मैंने हॉरिजॉन्टल स्पीड लिखा। इनटू टाइम, टाइम कितना है बेटा यहाँ पर? टाइम ऑफ फ्लाइट। यहाँ पर जो टाइम लग रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर लग रहा है, और टाइम ऑफ फ्लाइट को अपने कौन से लेटर से डिनोट किया था कल? कैपिटल टी से। तो वो कैपिटल टी अब यहाँ लिख दूंगा, पहले मैंने पूरा की पूरा रामायण लिख दिया, टाइम ऑफ फ्लाइट। इतनी रामायण आपको समझ में आ गई? ओके yes, okay. तो हॉरिजॉन्टल रेंज को सिंपल आर से डिनोट कर दूं, हॉरिजॉन्टल स्पीड आप लोग बोलो, टाइम ऑफ फ्लाइट को कौन से लेटर से डिनोट करते हैं? भविष्य में जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं उनको ये फॉर्मूला भी याद रखना होगा। क्लियर? काम आएगा आपको। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अभी यहाँ प्रूव नहीं हुआ पूरा, आगे बढ़ रहा हूँ मैं, गौर से देखिएगा आप सभी लोग। R इज इक्वल टू यू कॉस थीटा। कल बेटा आप लोगों ने टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला प्रूव किया था, द फॉर्मूला वॉज टू यू साइन थीटा अपॉन जी। सीन क्लियर है सभी को? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ो, अच्छी बात है। आर बराबर U इंटू यू, यू स्क्वायर टू साइन टीटा कॉस टीटा। डायरेक्ट लिख दू साइन टू टीटा, बुरा तो नहीं लगेगा? क्यों लिखा, समझ में आया? यहाँ बायो वाले कितने हैं? बायो, ओके, बायो वालों पता है आप लोगों को? हंस के काम नहीं चलेगा। क्लियर?
हंस के काम नहीं चलेगा, क्योंकि साला आधे से ज्यादा फिजिक्स मैथमेटिक्स से खत्म होती है। समझ में आ रही है बात? मैं यह साइड में लिख देता हूँ, क्लियर। मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि 2 sin θ cos θ बराबर एक रिलेशन होता है sin 2θ, इसलिए मैंने ऐसा किया। समझ में आई बात? और अपॉन में क्या आ जाएगा जी? काव्य को परेशानी, दिस इज द फॉर्मूला फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज। सीन क्लियर है सभी को? बोलो भैया, फॉर्मूला टकाटक याद होना चाहिए आपको हॉरिजॉन्टल रेंज का। किसी ने पूछा हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलिएगा r = u² sin 2θ / g। आगे बढ़ू जी? बोलो, समझ में आ गई यहाँ तक बात? अब ये गया भाड़ में, इसको जाने दो, ठीक है। अब हम थोड़ा हट के बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला तो हम लोगों ने निकाल लिया, अब मैं कुछ जनरल बातें करता हूँ, प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन से आपको जो फील हो वो बताना, ठीक। कईयों बार दो दोस्त पैरेलल खड़े हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ अगल बगल से खड़े हो जाते हैं, दो अपने अपने हाथ में एक खंडा ले लेते हैं, पत्थर ले लेते हैं, स्टोन ले लेते हैं, है ना। और पत्थर लेने के बाद, क्योंकि मूड में ना मानो, उस पत्थर को लेके उनमें कॉम्पिटिशन होता है कि देखा जाए सबसे ज़्यादा डिस्टेंस तक कौन फेंकता है। माइंड इट, हाइट की बात नहीं कर रहा हूँ, डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। समझ में आ रही है बात? मतलब मुझे इस पत्थर को फेंकना है और ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस पे फेंकना है। कैसे फेंकूँगा? ऐसे ही फेंकूँगा? ऐसे नहीं फेंकूँगा, क्योंकि साला ऐसे फेंकूँगा तो ये तो मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, ना कि मैक्सिमम डिस्टेंस। अगर मुझे मैक्सिमम डिस्टेंस पे फेंकना हो तो कैसे फेंकूँ? हाँ, अगर वैसे सबका अपना अपना स्टाइल होता है, लेकिन अगर आप वाकई में इसे मैक्सिमम डिस्टेंस पे फेंकना चाहते हैं तो आपका जो सिचुएशन है वो ऐसे होगा। सही बोल रहा हूँ? यस और नो? बोलो। यही सीन होगा, जब आप इसे मैक्सिमम डिस्टेंस पे फेंकना चाहेंगे तो सिचुएशन ऐसी होगी। यानी मैं थोड़ा अगर रफली आपको समझाने की कोशिश करूं इधर, तो जमीन से आप इसे ऐसे फेंकोगे। बोलो भैया, फेंकोगे कि नहीं फेंकोगे? तो थोड़ा सा अगर अपन लोग कॉमन सेंस लगाएं, तो जमीन से जब मैक्सिमम हाइट चाहिए थी तो ऐसे फेंक रहे थे, तो ये 90 डिग्री हो गया था। ऐसे फेंक रहे तो कितना हो जाएगा, खुद ही लगा लो। नहीं, 45 डिग्री, 45। हालांकि मैं इस बात को प्रैक्टिकली थियोरेटिकली प्रूव भी करूंगा, पर अगर आप चाहते हो कि किसी ऑब्जेक्ट को फेंको और वो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस पे जाए, तो उसके लिए हमें उसे हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री के एंगल पे फेंकना चाहिए, तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाके गिरेगा। फील हो रहा है जो मैंने फील करवाया आप लोगों को थोड़ा बहुत? है बाकी का एग्जैक्ट 45 मुझे कैसे पता चली? कई उनके हिसाब से 50 हो, ऐसा कहते हैं 40 हो, ऐसा कहते हैं, ऐसा कहते हैं कि ना ऐसा कत। तो ये बात का मुझे पता कैसे चला, तो वो थ्योरेटिकली मैं आपको प्रूव करके बता रहा हूँ, ठीक है, गौर से देखिएगा। यानी अगर मैं चाह रहा हूँ मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाके गिरे, तो मैं किस चीज की वैल्यू मैक्सिमम चाहता हूँ यहाँ पर? या मैक्सिमम डिस्टेंस को बोलोगे क्या? रेंज। यानी मैं काय की वैल्यू मैक्सिमम चाहता हूँ? रेंज, है ना। तो गौर से देखिएगा, जैसे कल किया वैसे ही आज करूंगा। फॉर द वैल्यू ऑफ आर, फॉर द वैल्यू ऑफ आर टू बी मैक्सिमम, आर की वैल्यू मैक्सिमम होने के लिए जरूरी क्या है? ये वैल्यू मैक्सिमम तभी, याद है ना, मेरी जेब में पैसे आपकी जेब में पैसे, याद आ रहा है सीन? अगर मैं आर की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा चाहता हूं तो ऐसा तभी होगा जब जे ज्यादा से ज्यादा हो, और ये ज्यादा से ज्यादा कितना होता है? 1। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 बताई थी कि नहीं? तो साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये 1। स्टेप समझ में आया सभी को? अगर ये बात समझ में आ गई तो आगे देखिए, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1 कितने डिग्री पे होता है? तो 1 की जगह मैंने लिख दिया साइन 90 डिग्री। साइन से साइन सटक जाओ तो 2 थीटा बराबर 90 डिग्री, 2 से 90 अगर कैंसिल करूंगा तो 45 डिग्री, यानी थीटा बराबर हमारा आ गया 45 डिग्री। कहने का तात्पर्य है कि अगर ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से 45 डिग्री के एंगल पे फेंका जाएगा तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाके गिरेगा। समझ में आ रही है बात? नहीं आई बात समझ में? ये थ्योरेटिकली मैंने प्रूव कर दिया। कोई पूछे कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को फेंकना चाहते हो और अगर आप ये चाहते हो कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाके गिरे, तो इसे कितने डिग्री के एंगल पे फेंकना चाहिए? तो बोलना हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री के एंगल पे अगर हम इसे फेंकेंगे तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाके गिरेगा। सीन क्लियर है? बात समझ में आ रही है?
आप 45 डिग्री के एंगल पे फेंकेंगे तो मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाकर गिरेगा। फिर ऐसी सिचुएशन में ये मैक्सिमम डिस्टेंस होगी कितनी, तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस निकालने के लिए थीटा की वैल्यू 45 इसमें टांग दूं, बोलो भैया। तो ऐसी सिचुएशन में आर की वैल्यू कैसी आएगी, कैसी आएगी आर की वैल्यू, मैक्सिमम। तो ये मैं लिख रहा हूं, आर मैक्सिमम इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू, थीटा की जगह क्या लिखूं, 45 डिवाइडेड बाय जी। 45 टू जा 90, साइन 90 कितना हो गया, 1 का मल्टीप्लाई यू स्क्वायर से करूंगा तो आर मैक्सिमम इज इक्वल टू हो गया यू स्क्वायर अपॉन जी। सीन क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत, बात समझ में आ रही है, फटाफट देख लो फिर आगे की बात करूंगा। इसको रब कर दूं ना, चलो। तो ये हमारा यहाँ तक खत्म होता है हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। अब इस हॉरिजॉन्टल रेंज में थोड़ा सा डिस्कशन मैं आप लोगों से हल्का फुल्का और करना चाहता हूँ, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। हॉरिजॉन्टल रेंज में आपने बोला कि भैया आप है ना ऑब्जेक्ट को छोड़ो बाद में फेंकेंगे, इतना तो समझ में आ गया, 45 डिग्री के एंगल पे फेंकते हैं तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाके गिरता है, ये बात मैंने बोली। अब मैं थोड़ा सा कुछ सिचुएशन आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, लिसन एवरीवन। मैंने सपोज करो 45 डिग्री के एंगल पे नहीं फेंका, मैंने फेंका उसे 10 डिग्री के एंगल पे, तो ऑब्जेक्ट ऐसे जाके गिर जाएगा, दिखाई दे रहा है आप लोगों को प्रॉपर। 10 डिग्री के बाद मैंने एंगल और बढ़ाया, मैंने 20 डिग्री के एंगल पे फेंका उसे, और बढ़ जाएगा। मैंने फिर 45 डिग्री के एंगल पे फेंका, और बढ़ जाएगा। कहानी समझ में आ रही है आपको, अब मैं 45 से और बढ़ाऊंगा, 60 डिग्री के एंगल पे फेंका, क्योंकि हाइट बढ़ गई ना, अब जब भी थोड़ी एंगल बढ़ा जाऊंगा तो वही हो जाऊंगा, बोलो भैया। और ज्यादा हाइट में फेंका, मतलब और ज्यादा एंगल में फेंका, नहीं यही 90 डिग्री में फेंकेगा तो मुड़ पे आगे गिर जाओ, नहीं यही मेरी बात समझ, सीन क्लियर है ना, कोई दिक्कत, भाषा समझ में आ रही है सभी को, अच्छी बात है। तो 45 डिग्री पे मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाके गिरता है, आगे बढ़ू, अच्छा। इसके बाद मेरे को कह रहा है एक्सप्लेन द लिमिटेशंस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। लिमिटेशंस की अगर बात की जाए, लिमिटेशंस का मतलब समझते हो क्या, हाँ, लिमिटेशंस का मतलब एक कमियां, मतलब हर चीज की अपनी एक लिमिट होती है। कई बार दो दोस्तों में झगड़ा हो रहा है तो एक दोस्त दूसरे दोस्त से बोलता है, ओए लिमिट में रहे, बोलते हैं ना, लिमिट में मतलब उसे मालूम है कि कहाँ तक लिमिट, बस जाते ज्यादा मत कह दियो बस, नहीं तो रट्टा है जाओ, क्लियर होता है कि नहीं होता, दिस हैपेंस। तो मतलब एक लिमिट है, एक बॉर्डर है, उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते हम लोग। इसी तरीके से गैया भैंसे सांकर से बंधी होती है तो उनके लिए भी एक लिमिटेशन है कि भैया कि वो जो खूंटा होता है उसके चारों तरफ एक लिमिट के एरिया तक घूम सकती है, उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते, समझ में आता है। तो ये क्या है, लिमिटेशन, क्या है ये, लिमिटेशन, उसके बियॉन्ड हम लोग नहीं जा सकते। इसी तरीके से वो कह रहा है व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशंस के क्या लिमिटेशंस हैं। तो लिमिटेशंस तो गई भाड़ में, पहले मुझे बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला कल हम लोगों ने प्रूव किया था, टी बराबर टू यू साइन थीटा अपॉन जी। फिर हमने मैक्सिमम हाइट h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। फिर आज मैंने हॉरिजॉन्टल रेंज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, ये सारे फॉर्मूलाज मैंने लाइन से प्रूव करवाए हैं पिछले एक दो दिनों में आपको। yes, सभी फॉर्मूलों में गौर से देखो g आ रहा है। yes, और जितना लेवल आज की डेट में आपका है उस हिसाब से आप ये पढ़े लिखे लोग हो कि जी की वैल्यू फिक्स होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये कॉन्स्टेंट टर्म होती है, क्लियर। तो बेटा अभी आप लोगों का लेवल थोड़ा सा छोटा है, अभी 11th में आए ही आए हो तो इतना ही समझते हो कि भैया जी फिक्स होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पर अब थोड़ा सा दिमाग का दायरा फैलाओ, ठीक है। आपको बता दूं, अर्थ के सरफेस से जैसे जैसे मैं ऊंचाई पे जाता हूँ, थोड़ी बहुत ऊंचाई से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे जाऊँगा तो जी की वैल्यू घटने लगती है, कम होने लगती है, यानी जी की वैल्यू में वेरिएशन होता है, समझ में आ रही है बात। अर्थ के सरफेस से, जैसे ये अर्थ का सरफेस है, अर्थ के सरफेस से हाइट पे जाऊंगा तो जी की वैल्यू डिक्रीज होती है,
अर्थ के सरफेस से डेप्थ में जाऊंगा तो जी की वैल्यू डिक्रीज होती है, दोनों ही सिचुएशन में जी की वैल्यू डिक्रीज होती है। ये मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। चैप्टर पढ़ाऊंगा ग्रेविटेशन, वहां पर ये बातें आपको प्रूव करके बताऊंगा कि हाइट पे जाती है तो जी कैसे चेंज होता है, डेप्थ पे जाती है तो जी कैसे चेंज होता है। अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेशन करती है, अगर उसकी रोटेशनल स्पीड में भी चेंज हो जाए तो भी जी की वैल्यू चेंज हो जाती है। बहुत सारे रीज़न है जी की वैल्यू चेंज होने के, ठीक है ना। जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे ग्रेविटेशन चैप्टर में। फिलहाल यहाँ पर क्या मुद्दा है ये सुनो, हम कभी भी किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो जी की वैल्यू तो फिक्स ही रखेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया है जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, तो आप रख देंगे। सही बोल रहा हूँ ना। तो यहाँ पर पहली लिमिटेशन ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना जिसको आप ऐसे फेंक रहे हो, ऐसे तो फेंक रहे हो ऐसे करके, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, ऐसे तो फेंक रहे हो, और ये हाइट है इसकी, हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। द हाइट ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल शुड नॉट बी वेरी हाई, क्योंकि अगर हाइट बहुत ज़्यादा आई तो जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। समझ में आ रही है बात। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे जो आंसर्स आएंगे वो करेक्ट नहीं आएंगे, ये लिमिटेशन है प्रोजेक्टाइल मोशन की। क्लियर। तो पहली लिमिटेशन समझ में आई आपको, क्या हुई, हाइट ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल शुड नॉट बी वेरी हाई। क्लियर है, क्यों नहीं होनी चाहिए हाई, हाँ समझिए ना, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में जी की वैल्यू बदल जाएगी। ठीक है। दूसरी बात, जिस प्रोजेक्टाइल को आप फेंक रहे हो, प्रोजेक्टाइल किसको बोलते हैं, ऑब्जेक्ट को, जिस ऑब्जेक्ट को आप फेंक रहे हो, ऐसे बोला ना यू वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, तो चाहे जरूरत से ज्यादा स्पीड से मत फेंकियो, क्या इसकी स्पीड जरूरत से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, एज इन केस ऑफ रॉकेट एंड मिसाइल्स, रॉकेट और मिसाइल्स में कितनी तेज स्पीड होती है, तो उतनी तेज स्पीड से इसे नहीं फेंकना है। पिक्चर देखिए वो, नहीं 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 नहीं, अरे वो ऋतिक रोशन की पिक्चर है, कोई मिल गया करके एलियन है उसमें, जाने कौन सी पेपा में वो फुटबॉल में लात देते हुए, और फुटबॉल में लात देते तो नजारा कहा होते हैं, फुटबॉल ऐसे ना के तो फुटबॉल जो बोलो भैया, तो कारण क्या है, फुटबॉल की वेलोसिटी बहुत ज्यादा थी तो ये सीधा स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया, प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ ही नहीं। नहीं ये बात समझे, सीन क्लियर है। तो दूसरा लिमिटेशन क्या हुआ, द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल शुड नॉट बी वेरी हाई। समझ में आई, क्लियर है। तो क्या क्या लिमिटेशंस हुए, हाइट ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल शुड नॉट बी वेरी हाई, अदरवाइज जी विल चेंज, और दूसरा वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल शुड नॉट बी वेरी हाई, जैसा कि मिसाइल्स और रॉकेट्स वगैरह में बहुत फास्ट स्पीड होती है तो उस टाइप की स्पीड नहीं होनी चाहिए। मेरी बात आपके भेजे में अटकी या नहीं अटकी, तो फटाफट पढ़ लो लिमिटेशंस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। अब हमारे सामने एक न्यूमेरिकल दे रहा है, उस न्यूमेरिकल में हमसे बोल रहा है If an object is thrown at an angle of 30 degree from the horizontal, एक ऑब्जेक्ट है जिसे हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री के एंगल पे फेंका जा रहा है, बता सकते हो काय की वैल्यू दे दी, थीटा दे दिया, बोलो भैया। आगे बोल रहा है 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल विद द वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड, अच्छी बात है 100 मीटर पर सेकेंड, देन कैलकुलेट द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, अच्छी बात है टाइम ऑफ फ्लाइट को हम लोग टी से डिनोट करते हैं, और G की वैल्यू आपसे बोल रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कितना बोल रहा है फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, दो दो चीजें आंसर दो दे रहा है, वाह चलिए कोई बात नहीं, इसमें कुछ कमी लग रही है, करेक्शन है क्या, कहाँ बोल रहा है, इसमें बोलिए टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ एंड हॉरिजॉन्टल, सॉरी सॉरी सही कह रहे हो, मैं ही गलत हूँ। लिसन एवरीवन, क्वेश्चन एक बार दोबारा समझेंगे हम सभी लोग, ध्यान से ऑन द बोर्ड देखेंगे, ठीक है। लुक, क्वेश्चन क्या है उसका समझने की कोशिश करिएगा, वो बोल रहा है ये जमीन है, यहां से मैंने किसी ऑब्जेक्ट को फेंका और ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री के एंगल पे फेंका गया है, तो भैया हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल ये हो गया, क्लियर। और कह रहा है ऑब्जेक्ट को 100 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फेंका जा रहा है, तो इस वेलोसिटी को आप लोग क्या लिखते थे, यू लिखते थे, तो इसका उसने हमको क्या दे दिया, यू दे दिया, सीन समझ में आ रहा है। तो उस ऑब्जेक्ट को 100 मीटर पर सेकंड की इनिशियल वेलोसिटी से फेंका जाता है, तो कह रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट समझ गए, यानी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रहा है। और दूसरा कह रहा है हॉरिजॉन्टल रेंज कितना होगा, हॉरिजॉन्टल रेंज बोले तो ये जानना चाहता है आपसे, सीन क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत। और उसने मुझे ये बोल रखा है जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देखो भैया अगर वो जी के बारे में कुछ नहीं बोलता तो आप जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखें, समझ में आ रही बात, लेकिन अगर वो अपनी तरफ से जी की वैल्यू 10 बोल रहा है तो फिर 10 ही रखना, फिर 9.8 मत रखना, समझ रहे हैं। ये ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे कैलकुलेशन आप लोगों के लिए इजी हो जाए,
मेरी बात समझ में आई? कोई दिक्कत? थोड़ा सा एक्स्ट्रा हटके बताऊं, सुनना चाहें तो, अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और वहाँ पर कोई सम सॉल्व करते हैं, और मेरे को समझने की कोशिश करना, मेरी बात हर कोई नहीं समझ पाएगा, कुछ लोग ही समझ पाएंगे। तो जब आप किसी सम को सॉल्व करते हैं तो जाहिर सी बात है ऑप्शंस दिए होते हैं। अगर ऑप्शंस बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, मतलब एक आंसर है 4.9, दूसरा आंसर है 4.8, तीसरा है 4.7, तो ये आपस में बहुत क्लोज हैं, है ना, तो ऐसी सिचुएशन में जी की वैल्यू कितनी रखोगे? 9.8, करेक्ट वैल्यू ही रखना। लेकिन आंसर दिया है, एक ऑप्शन दो है 4, दूसरा ऑप्शन दो है 10, तीसरा दो है 15 और 20, तो ऑप्शंस में मार्जिन बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी जगह जी की जगह आप 10 भी रखना चाहो तो रख सकते हो। कारण 10 से कैलकुलेशन फास्ट हो जाती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूजली लोग जी की जगह 9.8 की बजाय 10 रखना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि 10 से कैलकुलेशन फटाफट हो जाती है। अब 9.8 की जगह 10 रखू देंगे तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क तो पड़े वाह उतना ने, लेकिन मैंने क्या बोला, ऑप्शन अगर बहुत क्लोज हो तो फिर एग्जैक्ट वैल्यू रखना 9.8, लेकिन ऑप्शनों में मार्जिन बहुत ज़्यादा है तो आप 10 भी रख देंगे तो ऑलमोस्ट क्लोज वैल्यू पे पहुंच जाएंगे। आपको मेरी बात समझ में आ रही मैंने क्या बोला? अच्छी बात है, ठीक है। खैर चलो तो करें शुरुआत इसकी। भैया टाइम ऑफ फ्लाइट मुझसे पूछा गया और मुझे लगता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आप लोगों को याद है, टी बराबर 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो 2u की वैल्यू हमको 100, ठीक है, साइन थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाय जी कितना रख दूँ 10, 10 से ये 100 काट दूँ 10 टाइम्स 2 × 10 साइन 30 1/2, बोलो भैया 2 से ये 2 कैंसिल, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया हमारा 10 सेकेंड। कहानी समझ में आ रही है सभी को? तो ये आ गया हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद हम मुझसे पूछ रहा है हॉरिजॉन्टल रेंज बताऊँ, क्या बताऊँ? तो यारो बचपन में हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला पढ़ा था, आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2θ अपॉन जी, आपको याद है? यू यू कितना है 100, 100 का स्क्वायर कर दूँ तो 10,000, बोलो भैया 10 × साइन थीटा है 30 डिग्री, 30 का 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 60 डिग्री डिवाइडेड बाय जी की जगह 10, 0 से 0 उड़ा दूँ, बोलो भैया तो ये 1000 साइन 60 डिग्री कितना होता है √3/2, 2 से ये मैंने कैंसिल कर दिया 2 × 5 = 10 = 0, तो ये आ गया हमारा 500√3 मीटर। सीन क्लियर है सभी को? आपको थोड़ा और डिटेल में करना है तो √3 की वैल्यू भी प्लेस कर सकते हो यहाँ पर। √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732, मैंने बताया था एक दिन शायद आपको, काम आती है वो। √3 की वैल्यू 1.732 रख दोगे तो और आगे आंसर आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? फटाफट इसे नोट डाउन कर लो फिर आगे की बात करूंगा। लिसन एवरीवन, ये हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल दी, ये हमने हॉरिजॉन्टल रेंज निकाल दिया 500√3। समझ में आ गया होगा सभी को, राइट? आपको याद होगा जब मैंने हॉरिजॉन्टल रेंज पढ़ाया था तो उसी दरमियान मैंने एक फॉर्मूला और बताया था, मैंने कहा ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत यूज आता है, हॉरिजॉन्टल रेंज इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, आर बराबर यू कॉस थीटा इनटू कैपिटल टी, याद आ रहा है? अगर मान के चलो मुझे ये फार्मूला नहीं लगाना, ये फार्मूला मुझे नहीं लगाना, तो मैं इस फार्मूले से भी कर सकता था, कौन से यू कॉस थीटा इनटू टी, इससे भी अगर आप सॉल्व करोगे तो वही आंसर आएगा। यू की वैल्यू है आपके पास, थीटा आपके पास है 30 डिग्री और टाइम ऑफ फ्लाइट आप ये निकाल चुके हैं। समझ में आ रही है बात? तो इससे भी अगर आप निकालते तो भी वही आंसर आता। क्लियर है? आगे बढ़ूँ अब मैं, आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन जो इसके बाद हमको दिया है वो भी इसी से ही कनेक्टेड है, तो गौर से देखिएगा सभी लोग। इसके बाद अगला क्वेश्चन में वो मुझसे बोल रहा है, उसने साफ बोला है इन द अबव क्वेश्चन, अबव क्वेश्चन यानी यही वाला क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व कराया है, इन द अबव क्वेश्चन कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट एंड ऑल्सो स्टेट वेदर द ऑब्जेक्ट कैन बी थ्रोन अप टू सम मोर हाइट और नॉट, इफ यस देन व्हाट विल बी द मैक्सिमम हाइट। लिसन एवरीवन, 30 डिग्री के एंगल पे फेंका था तो नज़ारा हमारा जो था वो कैसा था भैया? 30 डिग्री के एंगल पे अपना नज़ारा ऐसा था, सही जा रहा हूँ मैं? अब उसका क्वेश्चन क्या है, वो कह रहा है कि इसी यही क्वेश्चन है, सेम यही वेलोसिटी है, यही एंगल है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट और आर तो अपन ने अवेल निकाल ही लिया,
अब वो कह रहा है इसी में ये बताओ कि ऑब्जेक्ट 30 डिग्री के एंगल पे जब फेंक रहा हूँ ना तो मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। क्वेश्चन समझ में आ गया? Yes, 30 डिग्री के एंगल पे जब फेंक रहा हूँ तो मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। तो क्या फॉर्मूला है अपन ने हाइट का पढ़ा था? एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। सीन क्लियर है? थोड़ा डायरेक्ट खेलूं? Yes, है यू कितना है 100 100 का स्क्वायर करूंगा तो 10,000। क्लियर? इनटू थीटा कितना है 30 साइन 30 1/2 होता है और 1/2 का स्क्वायर करूंगा तो 1/4। ठीक है जी। अब क्या बचा 2 इनटू जी कितना है 10। चमका दो। अब क्या है जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। 4 1s 4 चलो भैया 4 2s 8 बचा 2 4 5s 20 0। 2 से 250 काटूंगा 125 टाइम्स कट जाएंगे। बोलो भैया। तो ये मैक्सिमम हाइट आ गई कितनी 125 मीटर। ये मैक्सिमम हाइट कितने डिग्री के एंगल पे आई है? हाँ 30 डिग्री के एंगल पे फेंकूंगा तो मैक्सिमम हाइट आ गई। आगे पूछ रहा है क्या इससे ज़्यादा हाइट पे फेंका जा सकता है? यस। तो कह रहा है इफ यस देन कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट। तो भैया मुझे मालूम है, यहाँ मैं थोड़ी सी लैंग्वेज लिखाऊंगा आपको, ठीक है? मैं ये लिखाऊंगा कि हाँ ये बात सही है कि इससे ज़्यादा हाइट पे फेंका जा सकता है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री के एंगल पे फेंका जाता है तो वो मैक्सिमम हाइट पे जाता है। तो सर्टेनली इस क्वेश्चन में इसे इससे ज़्यादा हाइट पे फेंका जा सकता है। क्लियर? अब ऐसी सिचुएशन में मैक्सिमम, ये मैंने दो लाइनें इसलिए खींची है क्योंकि मैं यहाँ पर लिखाऊंगा। समझ में आ रही मेरी बात? अब मैक्सिमम हाइट निकालनी है तो मैक्सिमम हाइट के लिए मैं क्या करूँ? एच मैक्सिमम इज इक्वल टू जई में थीटा की जगह 90 आ जाओ साइन 91 1 का स्क्वायर 1। तो केवल क्या फॉर्मूला बचा? चमका दो। अब कहो यू कितने गए 100 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी 10। 0 से 0 कैंसिल, 2 से ये 2 5 से 10 0 0 कितना हो गया 500 मीटर। यानी 30 डिग्री के एंगल पे फेंक रहे थे तो ये 125 मीटर तक जा रहा था केवल, लेकिन आपने 90 डिग्री के एंगल पे फेंका तो ये कितने हाइट तक जाएगा 500 मीटर तक जाएगा। कहानी समझ में आई आप सभी को? सीन क्लियर है? तो सबसे पहले आप लोग एक काम करें, यहाँ से लेके यहाँ तक का नोट डाउन करें, फिर उसके बाद लिखाऊंगा। एक बार सुनिएगा सभी, यहाँ बीच में क्या लिख रहे हैं। वी नो दैट द ऑब्जेक्ट विल कवर द मैक्सिमम हाइट व्हेन इट इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। सो सर्टेनली इन दिस केस द ऑब्जेक्ट विल कवर सम मोर हाइट when it is thrown at an angle of 90 degree from the horizontal and in this case maximum height will be, फिर अपन ये लिख लेंगे। सीन क्लियर है? समझ में आ रही है बात सभी को? कर पाएंगे हम लोग? आगे बढ़ जाएं? ठीक है तो फिर आज के लिए पर्याप्त है, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।